क्वेश्चन है, फॉर ए डिफरेंशिएबल फंक्शन फॉर ए डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर एफ सच दैट R to R define define the difference define the difference quotient x f h is equal to f of x plus h minus f x divided by h h is positive. Consider number of the form. Consider number of the form number of the form h cap is equal to h times 1 plus epsilon for a fixed epsilon positive and let even h is equal to f dash x minus dx f h or e2 given hai E two H is equal to DXF H minus DXF H cap or EH is equal to given है even H plus E2H plus E2H कह रहे हैं कि if F of X plus H is equal to F of X plus H f of x plus h cap is equal to f of x plus h then बताना है कि कौन से ऑप्शन ट्रू है. पहला ऑप्शन है even h tends to zero as h tends to zero. b ऑप्शन है e to h tends to zero as h tends to zero. C option hai e to h tends to epsilon f dash x divided by 1 plus epsilon as h tends to zero. ये एप्सिलॉन है और डी ऑप्शन है ई एच टेंस टू जीरो एज एच टेंस टू जीरो.
ये क्वेश्चन है जून नेट जून 2017 का 4.75 मार्क्स। नीरू कुछ पूछ रही है आप? हेलो। नो सर। चल फिर से इस क्वेश्चन को रीड करता हूँ। क्वेश्चन है ये आपका नेट जून 2017 का सेक्शन सी का है। फॉर ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ये सच दैट आर टू आर डिफाइन द डिफरेंस कोसेंट। कंसीडर नंबर ऑफ द फॉर्म एच कैप इज इक्वल टू एच टाइम्स 1 प्लस एप्सिलॉन फॉर ए फिक्स्ड एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0। और दूसरा एंड लेट ई वन इज इक्वल टू एफ डैश एक्स माइनस डी एक्स एफ एच। ई टू डिफाइन किया इन्होंने और ई डिफाइन किया है। साथ में ये कह रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच कैप अगर एफ ऑफ एक्स प्लस एच के इक्वल हो तो उस समय बताना है आपको कौन सा ऑप्शन ट्रू है। E1 जीरो को टेंड करेगा, E2 जीरो को टेंड करेगा, या E2 जो है टेंड करेगा एप्सिलॉन एफ डैश एक्स बाई 1 प्लस एप्सिलॉन को, और डी ऑप्शन है E जो है जीरो को टेंड करेगा एज एस टेंड्स टू जीरो हो। तो इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करें। कौन बताएगा इसको, डिस्कस किया जाए इसको? विक्रम कुछ हेल्प करेंगे? विक्रम है कि नहीं? विक्रम विक्रम गुड कुछ करेंगे हेल्प, कैसे किया जाए? मॉर्निंग सर। इवन के लिए जब एच 0 को अप्रोच करेगा तो डी एक्स एफ एच एफ डैश की तरफ अप्रोच करेगा तो ए ऑप्शन ट्रू लग रहा है सर। आपको ये ऑप्शन ट्रू लग रहा है? यस सर। अच्छा, और 4.75 मार्क्स का है। यस सर, बाकी चेक करूँ। तो पहले इनकी जो इंफॉर्मेशन है उसको लिख ली जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो इसमें गिवन दैट ये जो आपको इंफॉर्मेशन दी है डीएक्स डी एक्स एफ एच इज इक्वल टू क्या है, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। एक तो ये इंफॉर्मेशन, इवन एच है आपका एफ डैश एक्स, ठीक है, माइनस डी एक्स एस की बात हो रही है, यही है ना? तो आपने सही कहा कि यहाँ पे तो देख के ही पता चल रहा है कि ये एफ डैश एक्स और ये भी एफ डैश हो जाएगा अगर हम एस टेंस टू जीरो हो तो, ना माइनस, इसीलिए दिया है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच, ठीक है। ये भी तो एफ डैश एक्स ही हो जाएगा जब अगर एस टेंस टू जीरो हो तो। क्यों साइनिंग यस सर। नहीं? तो फिर देखिए, अभी ऐसे देखिए इसको, मैं इसको टेलर सीरीज से एक्सपेंड करता हूँ, ठीक है। 1 बाई एस टाइम्स टेलर सीरीज से एक्सपेंड करिए इसको। तो टेलर सीरीज से एक्सपेंड करिएगा तो साइनिंग बताइए क्या टर्म्स आएगा? एफ एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा इसको टेलर सीरीज से एक्सपेंड करें तो आएगा एफ एक्स, लिख देता हूँ पूरा, एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर बाई टू एफ डबल डैश एक्स प्लस सो ऑन, ठीक यस सर। है। और माइनस एफ एक्स भी तो है, तो यहां से क्या आ जाएगा? इवन
ई1 इज इक्वल टू साइन ई, तो आ जाएगा, देखिए ध्यान से, तो एफ डैस एक्स माइनस एफ डैश एक्स आ जाएगा, एफ डैश एक्स ये आ जाएगा, एफ डैश एक्स हाँ प्लस एच बाई टू एफ डबल डैश एक्स एंड सो ऑन, यही होगा ना? यस सर। तो अगर ये एस टेंड्स टू जीरो हो जाए, तो दिस टेंड्स टू जीरो एज एस टेंड्स टू जीरो, सही है बात? दैट इज यस सर। तो ये तो सिंपल दिख ही रहा है कि इवन टेंड्स टू जीरो, विक्रम ने बता दिया कि जैसे एस टेंड्स टू जीरो होगा तो ये एफ डैश हो जाएगा, ठीक है? तो ये भी एफ डैश, एफ डैश इवन जीरो को टेंड कर जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं कि हमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है इसमें ऑब्वियसली। दूसरे ऑप्शन को ढूंढना है, दूसरे ऑप्शन को ढूंढना है, दूसरे ऑप्शन को ढूंढना है। E2 देखिए, E2 क्या होगा, E2 को बस एक बार E2 निकाल लीजिए, आपको प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अंशिका बताइएगा सर, f ऑफ x प्लस h E2 E2H की बात करें, हाँ E2H इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस h, मतलब 60, पहले 60 बता दी, 60 में क्या है dx fh। ठीक है, इसको पहले 60 में लिख दो, हाँ dx f h h है, ठीक है, फिर माइनस डी एक्स एफ एफ कैप एच कैप, ठीक है। अब इनको हम फॉर्मूला यूज कर लें, तो ये एच के करिस्पॉन्डिंग है और ये एच कैप के करिस्पॉन्डिंग है, तो अगर हम इसको लिखें तो ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच, ये हो गया, और इसको लिखें अगर कोसेक तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच कैप, ठीक है, माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच कैप, ये ना? यस सर। तो आपको गिवन है कि एफ ऑफ क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच कैप इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एक चीज गिवन है, एक चीज और गिवन है, एच कैप इज इक्वल टू क्या गिवन है, h into 1 plus epsilon, 1 plus epsilon, ठीक है। इसको रखिए, इसको यूज करिए इसमें, और मुझे बताइए क्या आया e2h, फाइनली e2h क्या आया, ये तो f हो गया माइनस fx हो गया, तो अगर देखिए ध्यान से तो ये ऊपर वाला कॉमन हो गया ना, f ऑफ x प्लस h, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ये कॉमन हो गया, बचा कितना, वन अपॉन एच माइनस वन अपॉन एच कैप, मतलब एच इंटू वन प्लस एप्सिलॉन, ठीक है अंशिका, ये यस सर। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना आया, ये हो गया, इसको इधर कर लीजिए, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच कर लीजिए, और ये बचा कितना, वन माइनस वन अपॉन वन प्लस एप्सिलॉन, ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये, तो दिख गया होगा वैसे तो, एफ डैश कह रहे हैं
ई टू एच इज इक्वल टू फाइनली क्या आया, साइनिंग, बोलिए। सर वो टर्म्स कैंसिल हो जाए कि जो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या ये वाला ना, क्यों एक्स प्लस कैंसिल एच कैंसिल क्यों करना, कहाँ कैंसिल क्यों कर रही है, कॉमन लिया ना मैंने, यस सर यस कॉमन ले लिया मैंने, तो ये ई टू एच हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच, ये इतना तो आएगा ना, और दूसरा वाला टर्म जो वन माइनस वन अपॉन वन प्लस एप्सिलॉन था वो क्या आएगा, एप्सिलॉन अपॉन वन प्लस एप्सिलॉन, ये ठीक है इतना है नहीं? यस सर। जब यस टेंड्स टू जीरो होगा तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा एफ डैश होगा ना, यस सर। तो फाइनली ई टू एच क्या होगा, ई टू एच टेंड्स टू एप्सिलॉन अपॉन वन प्लस एप्सिलॉन एफ डैश एज यस टेंड्स टू जीरो, ये ठीक है, ये यस सर। देखिए है कोई ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, हाँ यस सी ऑप्शन। तो देखिए इसमें एक ऑप्शन तो इजीली फाइंड आउट हो गया इसमें, लेकिन दूसरे ऑप्शन को, दूसरा ऑप्शन भी बहुत इजी ही है वैसे, कोई बहुत ऐसा तो है नहीं, लेकिन ये कंडीशंस इनकी यूज करनी पड़ी। ए और सी करेक्ट हो गया इसका।